या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 552, वाइज इन मॉन्ट्रियल एट हेडक्वार्टर जमत खाना। अली मदद, आज माशाअल्लाह जमात भरा हुआ है। اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيامه। शरीयत हक करी जानिए, चार तारीखें इल्म के इस्लाम के अंदर उलमाओं ने फरमाए और हमें ये तारीखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीसों और फरामीन में से निकलते हैं, लेकिन इसका जो बुनियाद है वो कुरान शरीफ है। हम लोग इस्माइली मजहब वाले, इस्लाम के जो उसूलात हैं, इस्लाम के उसूलात, मैं जो अल्फाज बोले करता हूं उनको सोच समझ के बोलता हूं, इसलिए कि एक लफ्ज दूसरी जगह रखने से उसका मतलब बिगड़ता है। मैंने कहा इस्लाम के उसूलात, वो लोग कि जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जैसे कि हम भी हैं, हमने बहुत सी ऐसी चीजें अख्तियार कर रखी हैं कि जो इस्लाम के उसूलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती। इल्म के अंदर और इल्म के ऊपर अमल करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो उसूलात की समझ, उसूलात कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल, और ये लफ्ज फ्रेंच में भी है, फंडामेंटल, फाउंडेशन और बुनियाद। इन उसूलात के ऊपर अमल करने के लिए जो इल्म है उसको कहते हैं फुरुआत, फुरुआत उसको कहते हैं कि जो उसूलात के ऊपर अमल करने के तरीके होंगे। उसूलात में क्या है, अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार नहीं, वादहू ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह का कोई भाई नहीं, बेटा नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसका बदन है ही नहीं। ये एक बुनियादी उसूल है। खुदा ताला ने खलकत पैदा की, क्रिएशन की, और उस क्रिएशन को चलाने के लिए कुछ उसूलात और कानून बनाए। दुनिया के हर मुल्क के अंदर कुछ न कुछ कानून हैं। आप अभी कनाडा में रहते हैं, अपनी जब गाड़ी चलाते हैं तो रोड की राइट साइड पे चलाते हैं, लेकिन आप अगर लंदन चले जाओ और उधर राइट साइड पे चलाने जाओ तो पुलिस पकड़ लेगा। आप उससे बोला कि मैं उधर अपने शहर में राइट साइड पर चलाता हूँ, वो बोलेगा तेरा शहर उधर, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के कानून जुड़े हैं, तो आप उधर लेफ्ट साइड पे चलाओ। उस मुल्क में, जिस मुल्क में हम गए हैं, उसके कानून के अमल करना चाहिए। इसी तरह से खुदा ताला ने
अपने नबियों की मारिफत जो उस्ताद थे टीचर्स थे कुछ उसूलात और कायदे बनाए और इन कानूनों के ऊपर अमल करने का नाम है शरीयत। अरबी जबान का जो लफ्ज शरा है उसका मतलब है कानून, लॉ। कुरान शरीफ में लॉ की बहुत सी चीजें हैं मगर ये जो लॉज हैं ये फंडामेंटल्स नहीं है, ये उसूलात में नहीं है। रोड के ऊपर गाड़ी ले जाओ तो आप बराबर उस कानून के ऊपर के कैनेडा में हम राइट साइड पे ले जाते हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी को अपने फार्म में ले जाओ 20-25 माइल दूर आपका फार्म है, अब वो आपका फार्म है, वहां गवर्नमेंट का कानून नहीं लगता, आप राइट पे गाड़ी चलाओ लेफ्ट पे चलाओ जैसे भी चाहो चलाओ। लेकिन जब आप रोड के ऊपर आओ तो रोड के ऊपर आपको वो गाड़ी अपनी मर्जी से नहीं चलती, लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, ये शरीयत है। उसूलात जो फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर ये है कि खुदा ताला ने, मैंने कल आपको अर्ज की कि खुदा ताला ने फरिश्ते बनाए हैं और उनको मानना चाहिए कि फरिश्ते हैं, भले हमको आंख से नहीं दिखते मगर फरिश्ते हैं। खुदा ने दुनिया में किताबें भेजी और उन किताबों में आखिरी किताब कुरान शरीफ है और हमको नबी पाक ने फरमाया कि खुदा ने जितनी भी किताबें भेजी हैं 114 किताबें दुनिया में आई, 114 किताबें, और ये जो बड़ी किताबें तौरात ज़बूर अंजील कुरान ये तमाम 114 किताबें इसके अंदर है और कुरान तो बिल्कुल जामे है यानी उसके अंदर तमाम किताबों का इल्म मौजूद है और कुरान पाक आखिरी किताब है। कुरान का समझना इजी नहीं क्योंकि खुद कुरान कहता है मैं सब की समझ में नहीं आता, मुझे समझने के लिए रासिखून फिल इल्म जो है वही है और कोई मेरे को नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए वो उस्ताद चाहिए कि जिनके लिए कुरान ने कहा है कि वो अपने इल्म के अंदर बिल्कुल रासिख है। अब वो कौन है? नबी करीम को पूछा किसी ने कि या नबी ये रासिखून फिल इल्म, अब देखो उसके अंदर लैंग्वेज का हिसाब भी है, रासिखून जो है वो प्लूरल सेंस है क्योंकि रासिख होवे तो सिंगुलर होता है, रासिखून है वो प्लूरल सेंस है। अगर खुदा ताला ने ऐसा कहा होता कि रासिख फिल इल्म तो एक ही आदमी होता, लेकिन उसने ये कह के ये रासिखून है प्लूरल सेंस में लिया है तो इसके अंदर कोई मकसद है, भेद है, वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर रासिख है सिंगुलर फॉर्म है तो वो अपने जमाने में जिएगा और फिर वो गुजर जाएगा तो फिर दूसरे जमाने के अंदर कुरान समझाने वाला कहां से आएगा, इसलिए खुदा ने प्लूरल सेंस यूज की है और उसने कहा है कि वो रासिखून है। हर इमाम रासिख है और क्योंकि एक से ज्यादा इमाम वक्त के बाद होते रहेंगे ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। ये ज़ुर्रियत इब्राहिम जो है जो खुदा ने वादा किया है कि कयामत तक मेरा वादा है तेरी ज़ुर्रियत के साथ, तो वो इमामान है यानी हर जमाने के अंदर इमाम मौजूद है। ये जमीन खुदा की हिदायत के बगैर नहीं रह सकती। खुद खुदा ताला के नबी ने कहा है कि अगर एक पलक भी इमाम का कदम इस दुनिया पे नहीं होवे तो ये दुनिया मिट जावे, इमाम का कलम इस दुनिया में रहेगा। अभी किसी ऐसे वक्त हजारों साल के लाखों साल के बाद ये जमीन जो है मिट जाएगी और मिटेगी, ये जमीन एक दिन मिट जाएगी कि तो सूरज खा जाएगा। ये जमीन सूरज में से निकली है और ये जो पैसिफिक ओशन है इसमें से चांद निकला है, चांद पैसिफिक ओशन में से निकला है और सूरज जो है उसमें ये जमीन को फेंका है बाहर, है ये सूरज कफ करता है, खांसी करता है और जब वो खांसी करता है तो उसके अंदर से लाखों टन का मवाद बाहर निकलता है लावा की तरह। सूरज बहुत गर्म है तो जब वो खांसता है तो ये लावा बाहर निकलता है और उसकी स्पीड इतनी होती है कि लाखों माइल तक जाते हैं। आप कभी खुदा ताला की क्रिएशन का हिसाब तो कभी करो, ये सूरज हमारी जमीन से
हमारी जमीन से 1 करोड़ यानी नियरली 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 10 मिलियन अर्थ इकट्ठी करो तो तकरीबन सूरज का साइज होता है और 100 मिलियन माइल्स आवे है। 98 पॉइंट कुछ है, तकरीबन 100 मिलियन माइल्स सूरज दूर है और सूरज के अंदर से जो फ्लेम्स निकलते हैं वो 1,00,000 माइल लंबे फ्लेम्स हैं। खुदा ताला की क्रिएशन का हिसाब करते वक्त हमें खुदा ताला की बड़ाई का पता लगता है और हम कांप जाते हैं, हमारे अंदर हलीमी पैदा होती है और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी के साथ होता है। अल्लाहु अकबर, खुदा कितना बड़ा है। ये सूरज भी एक दिन मिट जाएगा, ये जमीन भी मिट जाएगी। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है उसकी एक लिमिट बनाई है, हमेशा सिर्फ खुदा रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो जल्दी मिट जाते हैं, कोई देर से मिटेंगे, लेकिन मिट जाएंगे। तो ये जो जमीन है सूरज में से निकली, सूरज ने कफ किया, चारों तरफ इधर उधर स्टार्स फैल गए। अब तो मालूम है कभी कभी रात के वक्त मेटियर्स निकलते हैं, वो इस तरह से एक लाइन लग जाती, जलती हुई लाइन आ जाती, फिर मिट जाती है। ये भी सुहाब साकिब कहते हैं अरबी जबान में इसको, ये भी सूरज में से निकलते हैं लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जल के खाक हो जाते हैं और ये जमीन आहिस्ता 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 इसकी जो स्पीड है घटती जाएगी और स्लो हो जाने की वजह से सूरज की ग्रेविटेशन इसको खींच देगी और ये सूरज जब इसको खींचेगा तो फ्रिक्शन से ये जमीन बिल्कुल ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, जल जाएगी। तो ये जमीन एक दिन मिटेगी, तो इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो सब मिट जाएगा। तो ऐसा भी होगा कि जो इंसान इस दुनिया पे रहते हैं वो भी मिट जाएंगे। इस दुनिया के ऊपर सबसे आखिर में जो इंसान रहेगा वो उस जमाने का इमाम होगा। उस जमाने का इमाम जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो तमाम लोग मिट जाएंगे या चले जाएंगे या ले जाए जाएंगे, मगर आखिरी इंसान इस दुनिया के ऊपर इमाम होगा वो जमाने का। लेकिन आदमियों का क्या होगा? आज मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं खाली इशारा करता हूं, इस दुनिया के ऊपर बाहर से भी इंसान आए हैं, यहां से भी इवॉल्व हुए लेकिन बाहर से भी आए हैं, यानी किसी दूसरे प्लेनेट से आदमी इस दुनिया पे उतरे हैं। और ऐसा ही होगा कि जब ये दुनिया का एंड आएगा तो इधर जो लोग बचे हुए होंगे उनको वो जमाने का इमाम किसी स्पेस शिप में बिठा के किसी और दुनिया में ले जाएगा। फिजिकली की बात करता हूँ, रूहानी बात नहीं करता, और उसकी तैयारियां हो रही हैं। 1,50,000 बरस के अंदर जब ये जमीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हमारे पीरों ने इशारा किया 125,000 ईयर्स बाकी हैं इस बाबत में, जमीन को तो 3.5-3 लाख बाकी हैं, लेकिन ये जो जमीन जब खत्म होगी 1,50,000 बरस के बाद तो मार्स वक्त तक तैयार हो जाएगा। तो वो जमाने के जो लोग हैं वो मार्स में चले जाएंगे, जिस तरह से इस दुनिया पे वीनस खत्म होने के बाद जमीन के ऊपर आदमी आ गए। रसूल अकरम की एक हदीस है, मैं आपको एक इशारा करता हूँ। हर चीज वाजों में नहीं बताई जा सकती, वक्त भी नहीं होता, और वाजें अभी आ गई है 15 मिनट की, तो इसमें क्या बताया जाए। नबी करीम की एक हदीस है, नबी फरमाया कि खुदा ताला ने आदम और हव्वा को जो हुक्म किया कि तुम जन्नत में से निकल जाओ तो उनको फेंक दिया गया। हजरत बीबी हव्वा जिद्दा के पास उतरी, जिद्दा जो अरबस्तान में है, और आदम अलैहिस्सलाम जब उनको फेंका गया तो वो श्रीलंका के पास उतरे। भी ऐसा क्यों हुआ? जिद्दा और श्रीलंका 1,000 माइल से ज्यादा है, शायद इससे भी ज्यादा। बीबी हव्वा को खुदा ताला ने जिद्दा में फेंका, अभी लफ्ज फेंका है तो फेंकना क्या होता है कि किसी चीज को हम हाथों से छोड़ के फेंक दे रहे, तो इसको फेंका गया तो फेंका गया बीबी हव्वा को फेंका गया, इतनी ऊपर से जो निकले तो मर जा रहे। तो जरूर वो जमाने के अंदर ऐसी साइंस वगैरह वीनस में थी कि अम्मा हवा
अपने कैप्सूल में नीचे उतरी और हजरत आदम दूसरे कैप्सूल में श्रीलंका में उतरे। जो कैप्सूल थे जो आज हम समझ सकते हैं, लेकिन 1400 साल या 100 साल पहले हमको कोई कहते कि कैप्सूल में फांका गया तो हम शायद न समझते, लेकिन आज साइंस ने हमको बता दिया है कि ये एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, जब उनका कैप्सूल आता है तो समुन्द्र में गिरता तो फिर उसको रिट्रीव करते हैं। तो नबी करीम ने कहा है किस तरह इस दुनिया के अंदर आदम और हवा आए, मगर यहाँ भी लोग इवॉल्व हुए थे, वो टॉपिक फिर किसी वक्त। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इस दुनिया में इमाम का कदम होना ही चाहिए, वगरना ये दुनिया रह नहीं सकती। यही इमाम के जिसके कदम के बगैर दुनिया नहीं रह सकती, मोमिनों वही रासिखून फिल इल्म में से है। हर इमाम रासिख फिल इल्म है। रासिख यहाँ मैंने सिंगुलर फॉर्म में किया क्योंकि जमाने में एक ही इमाम होता है, और वो इमाम जब बदली तौर से इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो अपना नूर अपने आने वाले सक्सेसर को देते हैं। ये जुर्रियत वंश परंपरा नस्ल ब नस्ल ये सिलसिला चला आता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के सूरत नूर में जो कहा है कि नूरुन अला नूर, इस तरह से मोमिनों कुरान शरीफ की समझ हमको राकिखून फिर इल्म से मिलती है कि जो उसकी समझ को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इमाम है। और दुनिया में इमाम का हाजिर होना जरूरी है। असल के अंदर भी ये चीज आती है कि अगर खुदा ताला ने दुनिया बनाई तो उसको पहले नबी भेजता था, अब क्यों नहीं भेजता, छोड़ दिया? नहीं, खुदा ने छोड़ा नहीं, खुदा अपनी आदत नहीं बदलता। दुनिया के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है और वो इमाम है। अब वो इमाम जो है उसकी हुक्म बरदारी ताबेदारी ही हमारी इबादत है। अगर इमाम हमको कोई हुक्म करे कि जो आम तौर पे शरीयत के खिलाफ है तो शरीयत बड़ी नहीं है, इमाम का फरमान बड़ा है। मैंने कल ही कहीं जिक्र किया था आपको कि हजरत अनस बिन मालिक नमाज पढ़ते थे तो नबी करीम ने बुलाया, नहीं आया। नबी फरमाया मैं जब बुलाऊं तो नमाज छोड़ के चले आओ। हुक्म ऊंचा है, हुक्म बड़ा है, तो इमाम की जो फरमान बरदारी है वही उसकी मोहब्बत का एक तरीका है। हम हाजर इमाम से प्यार करते हैं, हम हाजर इमाम से मोहब्बत करते हैं, और जब वो हमको फरमान करता है तो हम खुशी के साथ उस फरमान के ऊपर अमल करते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब फरमान होता है तो हमको उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगता, लेकिन इमाम बेहतर जानता है। बाज दफा उसकी बातें, बाज दफा तो क्या मैं तो कहता हूँ, अक्सर उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती। मौलाना हजर इमाम के साथ एक दफा हम चंद मिशनरी मुसाफर भी करते थे एक ही प्लेन में, अफ्रीका के एक शहर में मौला गए, और एक दिन ऐसा प्रोग्राम था कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होते तो मौला उन औरतों को उनकी गोद भरते हैं, यानी वो अपनी पछेड़ी या अपनी रुमाल या कोई भी कवर लेके कपड़े का तो हाथ बांधते हैं, मौला उसके अंदर एप्पल या जो उसकी मर्जी में आवे ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ उनको फ्रूट देता है कि खुदा से औलाद करे। ये सिलसिला रसूल अकरम के जमाने से चला आता है। तो उस दिन ये एक था कि गोद भरी जाए, तो ऐसी तो औरतें ज्यादा नहीं होती। फिर ये था कि बात औरतें कि जो एक्सपेक्ट करती थी विदिन ए मंथ और टू, तो उनको खुदा ताला का ये नूर उनको बख्शिशें देता था और नाम भी देता था। तो एक औरत आई, हामिला थी, एक आध महीने के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी। मौला के हुजूर में आके खड़ी हुई तो मुफ्ती ने कहा खुदा ने इसको नाम देना है। तो माँ बाप उसको कहते हैं मेरी बच्ची जब डिलीवरी आए, कभी आएगी क्योंकि शायद एक आध महीने के बाद, अच्छा जब डिलीवरी आए तो मुझे खत लिखना, मैं तुम्हारे बच्चे का नाम भेजूंगा। वो किसी मौला तुमने सबको नाम दिया, मेरे को भी दो। सफर मारा जब डिलीवरी आए ना मुझे लिखना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब उसने इंसिस्ट किया, माँ बाप ने उसके कंधे पे हाथ रखा, प्यार से कहा जब डिलीवरी आ गए ना तो मुझको लिखना, मैं जवाब दूंगा। अच्छा थोड़ी जरा रोने जैसी हो गई, चली गई। क्या हुआ
महीने के बाद जब डिलीवरी आई, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इमाम ने नाम नहीं लिया। इमाम जानता है और शय को जानता है। वो बोले कि ना बोले, अनजान बैठा होता है, लेकिन दीनदारों वो अनजान नहीं है। जाने अजान भय करतारथ साध सभा सुखकारी। जगपत का जीना ने जीने वाला जान अजान भय करतारथ। ये कारसाज जो है, ये खुदा का जो नूर है, दुनिया में एक इंसान के तौर पे आया है, वो अजान बैठा है। लोग उसको एक इंसान समझते हैं और वो इंसान जाहिर में है भी, लेकिन सब कुछ जानता है। मगर जो मोमन है उनके दिलों के अंदर वो उनको पीस सुख और सुकून देता है। दूसरे इन चीजों को नहीं जानते। इमाम सब कुछ जानता है। इमाम की बातें क्या थी जाने, अरे दिन रात बैठे रहो तो भी उसकी बातें खत्म नहीं होती, उसकी बातें खत्म नहीं होती। वो जानता है, वही बेहतर जानता है। वो जब कोई फरमान करता है तो दिनदारों उस फरमान के अंदर कुदरत के कानून बदल जाते हैं। ये तमाम एटमॉस्फेयर जो हम देखते हैं, बाहर निकलो अंदर आओ, अभी आप इसके माथाने में ऐसा देखो तो पंखे चलते हैं, बत्तियां जलती हैं, यही है ना। आपने कभी सोचा कि इस जमातखाने के अंदर हजारों रूहानियां मौजूद हैं? कभी सोचा? और ऐसा भी बाज आदमियों को कि जो सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो खुदा उनको बाज ऐसी अहमियत भी चश्मा भी देता है, तो बारीक लफ्स नहीं पड़े जाते तो चश्मा लगा के देखे तो पढ़ सकता है। क्या ये रूहानियां जो इस जमातखाने में हजारों हैं, क्या वो कभी नजर नहीं आ सकती? आप वो चश्मा लगाओ तो आपको दिखेंगी। इसी तरह से बाहर जाके आप आसमान की तरफ देखो तो ये सारी जो फिजा है वो खाली नहीं, लाखों करोड़ों रूहें, फरिश्ते, जिन्नात, अच्छे बुरे इस तमाम एटमॉस्फेयर में फिर रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों की तादाद है। तो तमाम लोग जो मर चुके हैं उनमें से दो छोड़े हैं के जो खुदा के वास्ते हक हो जाते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? कोई आसमान से जाते हैं, बहुत से जमीन पे रह जाते हैं, यहीं घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पांच दस फुट पे रहते हैं, कोई हजार फुट पे रहता है, कोई एक माइल ऊपर रहता है, कोई सौ माइल ऊपर रहता है। खुदा ताला ने ऐसी उपरित कॉलोनियां बनाई हुई है। खुदा ताला के इल्म की जस्तजू करने से वो इल्म मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो खुदा ताला ने ये जो कुछ भी बनाया है वो इतना गहरा इल्म है उसके अंदर कि मेहनत के बगैर वो नहीं दिखता। लेकिन इमाम, इमाम मालिक है। जिस तरह किसी जज ने किसी आदमी को सजाए मौत दे दी, मगर वो जब वो अपील करता है तो जमाने का बादशाह जो होता है या प्रेसिडेंट है, कानून के हिसाब से वो उसको क्लीमेंसी देता है, छोड़ देता है, या कहता है अच्छा इसको मौत की सजा न दो, इसको 10 बरस जेल में रखो। वो क्लीमेंसी मिल गई। अगर दुनिया का कोई प्रेसिडेंट या बादशाह चालू कानून के अंदर, हालांकि कानून में ये चीज होती है, तो वो सजाएं मिटा देता है। याद रखो मोमिनों, जब इमाम दुआ देता है तो कायनात की जो कानून है बदल जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं, किस्मतें बदल जाती हैं। और इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। इंसान बहुत दफा दुनिया में आगे बढ़ता है खुदा की मेहरबानियों से, वो भूल जाता है। और भूल जाने के बाद जब उसको उसकी सजा मिलती है, क्योंकि वो नाशुकरा हो गया है खुदा की मेहरबानियों से, जो आदमी शुक्रगुजारी का सबक नहीं सीखता तो ऐसा होता है कि वो सबक उसको सिखाने के लिए फिर खुदा ताला उसको सजाएं देता है। ये जजा और सजा का सिलसिला भी हमारे लिए बेहिसाब है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दाता सल्लल्लाहु अलैहि
मैं 50-60 बरस की बात करता हूँ। एक बड़ा मालदार शख्स था, बहुत मालदार था, कॉटन का सट्टा करता था, स्पेकुलेशन करता था, मगर स्पेकुलेशन में उसने बहुत पैसे बनाए। हर दिन हर रात यकसा नहीं है। अगर आज तंगी है तो उसका मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी तंगी रहेगी, और अगर आज खुशहाली है तो उसका मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी मजे करोगे। अरे रात भी चली जाती है, दिन भी चले जाता है, रात फिर आ जाती है, दिन फिर आ जाता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि समझने वालों के लिए मैं एक बात करता हूँ। अल्लाह कहता है कि तुम सोचो तो सही, किस तरह दिन में से रात निकलती है, रात में से दिन निकलता है, मालूम भी नहीं होता। इसमें समझने की बात है। उसने मेहमानी रखी, माँ बाप ने उससे कुछ बातें की, कम कर पूछा, सब बोले देखो फलाने आदमी तुम अपना बिजनेस बंद करो, थोड़े टाइम के लिए बंद करो। चुप हो गया। सात घर से उठ के गए, पांच सात दूसरी मेहमानियां थी। वो जमाने में मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा नक्शा बताऊं, इमाम सुल्तान मोहम्मद सगर आया करते थे, हर साल आते थे, एक एक महीना दो दो महीने ठहरते थे। मौला की दुनिया भर में माँ हाजिर थी तो माँ को मिलने के लिए आया करते थे, और जमातों को मिलने के लिए भी, माँ का तो बहाना था। हर रोज 30-40 मेहमानियां, मोस्टली हंसना बात का, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है, कारपेट बिछाया हुआ है, एक पाठ है, पाठ के ऊपर हाजिर इमाम के लिए क्रूज और मेहमानी जो कुछ भी देनी है वो पड़ा है, प्याला भी पड़ा रहता है पानी का, कि कभी इमाम को मर्जी आ जाए तो छाका देता है, नहीं तो पड़ा रहता है। कुर्सी होती है और सारी फैमिली इधर यहाँ सामने बैठी होती है। एक एक मेहमानी में मौला उठ के जाता है, कुर्सी पर बैठता है, बातें करता है, दुआएं देता है, मेहमानी कबूल करता है, कहाँ एक मिनट बैठता है, कहीं आधा घंटा बैठता है, उसकी मर्जी है। तो इस तरह ये मेहमानियां चला करती थी। मैंने हजर इमाम को, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि को एक दिन मैंने बात की, मैं बोला मौला सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में इस तरह मेहमानियां आती थी, सारी फैमिली बैठी होती थी, कुर्सी पे आके बैठते थे, हमको ऐसा लगता था जैसे हमारे घर पे आया है। आज तो तू क्या करता है मौला, बैठा होता है एक जगह, तीन आदमी आते हैं, दो आदमी आते हैं, तू दुआ किस देता, मेहमानी कबूल करता, तेरा शुक्राना करता हूँ। लेकिन ये मजा निकल गया। मौला मुझे देख के थोड़े मुस्कुराए, मुझे कहते तेरे को पता है मेरे दादा के पास टाइम बहुत था, मेरे दादा के पास बहुत टाइम था। दूसरी बात तेरे को मालूम नहीं, मेरे दादा का इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत था, और वो जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट थी, आधी दुनिया पे ब्रिटिश का राज था। कहीं भी मुरीदों को जमात को तकलीफ हो जाती थी तो मेरा जो दादा था वो टेलीफोन उठा के जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता था उसको कह देते थे, फलानी जगह मेरी जमात को यह तकलीफ है, ऐसा ही होती, इसकी तपास करो। मौला फरमाया अभी दुनिया फ्री हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रिंक हो गई, आजाद मुल्क हो गए, अब कहीं जमात को तकलीफ होती तो मुझको उस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ता, इसमें बहुत टाइम चाहिए, ये जमाना नहीं आ सका। मैं बोला मौला कभी नहीं आएगा, जवाब नहीं दिया। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह इसकी मेहमानी से बैठ के इसको हुक्म किया कि तुम बिजनेस बंद करो, साहब उसके चार पांच मेहमानियां छोड़ के कुछ दूसरे आदमी के पास गए। वो छोटा आदमी था, साइज में नहीं, मालदारी की बात करता है। क्या करते हो? मौला कॉटन का धंधा करता है। सत्ता लगाते हो? अभी सत्ता लगाना ठीक नहीं, लेकिन शर्म के मारे मुंह नीचा कर लिया। मौला फरमाया देखो होशियारी से काम करो, बहुत होशियारी से काम करो, क्या बात, ताला लगा। उसको मना किया कि तुम बिल्कुल व्यापार बंद करो, और इसको साहब ने इनकरेज किया और कहा कि होशियारी से काम करो। आमीन खुदा। वो आदमी बड़ा मालदार था और ये मालदारी दिमाग में घुसी हुई थी। घर वाले कहते हैं बस अभी बिजनेस बंद करोगे, ऑफिस बंद करो, घर वाले को कहते हैं अरे ये तो मजहब का आदमी है, यानी कौन हाजिर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करता है, कि तो ये तो मजहब की और दीन की बातें जाने, इनको क्या पता व्यापार क्या है। बोलो फिर तुमने मेहमानी पर तो रखी हो, पूछा क्यों?
पूछा तो फिर अमल होना चाहिए। इसने ईमान की बात नहीं मानी। पता क्या हुआ, भाव बढ़ते गए, इसका लालच बढ़ता गया, घर वालों को बोला देखा कैसा अच्छा व्यापार हो गया, 6 महीने तक बहुत अच्छा व्यापार रहा, भाव बढ़ते गए और ये मजे करता रहा। इसने कहा कि मेरे में जो अकल है वो किसी में नहीं। एक दिन यकायक 6 महीने के बाद इसने जहाँ कोई चीज लगाई थी सब चली गई, गोडाउन में आग लग गई। अब क्या हुआ, कपड़े सिल्क के पहनता था, चाइना सिल्क के, लेकिन साबुन के पैसे नहीं रहे, बाकी खत्म हो गया। चाइना सिल्क का सूट है लेकिन साबुन के पैसे नहीं कि इसको धो सके, इतना मालदार था, और वो चलता गया। इसको कहा बंद करो, इसने नहीं माना, खाक हो गया। उसको दुआ तीसरी, वो बढ़ता गया चढ़ता गया। ईमान जो जानता है मोमिनों, वो कोई नहीं जानता। अगर एतकाद ईमान के ऊपर है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एतकाद है कि यही सच्चा है, और मैं कहा करता हूँ कि 1400 साल से ये दावा करता आया है कि मैं ही सच्चा ईमान हूँ, अगर झूठा होता अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर खोटा होता तो 1400 साल तक झूठ नहीं चले, ये सच्चा है। इसकी बात मानो, इसको राजी करो, इसका हुक्म मानो, दिनों दुनिया में उसकी बरकतें मिलती रहेंगी। तो जो इमाम है उसके हुक्म के ऊपर अमल करना हमारी मोहब्बत को ज्यादा करता है। हज़रत इमाम कहे बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। हज़रत इमाम कहे उठो, फौरन उठ करो। उसमें कोई भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए। एक आदमी को मौलाना हज़रत इमाम ने, सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करता है, डायमंड जुबली का टाइम था और हमको डेकोरेशन कमेटी के अंदर दिन रात काम करना पड़ता था। वो हमारा कन्वीनर था और हम डेकोरेशन करते थे। यकायक उस तो कहीं दर्द हुआ गुर्दे में, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तेरे अंदर पथरी है, स्टोन है गुर्दे में, तेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने पूछा कि कब तक आना चाहिए। उसने कहा विदिन ए वीक। इसे हाथ जोड़े डॉक्टर को, कहता डॉक्टर 15-16 दिन बाकी हैं, डायमंड जुबली हो जाए फिर मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने बोला हालत खराब है तेरी, एक्सरे बताता है कि तुम 8 दिन भी निकालने मुश्किल है। बड़ा परेशान हुआ, फूके को जाके कहा मुझे मेहमानी रखनी है। मेहमानी रखी, बोला आए जाके बैठे तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला पर मैं क्या बात है, कहते खुदावन डायमंड जुबली को 15-16 दिन बाकी हैं। फरमाया हाँ खुदावन, मेरे को पथरी हो गई, मुझे बहुत तंग करती है। डॉक्टर कहता है कि 8 दिन भी निकालने मुश्किल हैं। खुदावन मुझे मरने से, वो अपनी जज्बात बयान करता है और रोता जाता है, खुदावन मुझे मौत का कोई डर नहीं, लेकिन खुदावन डायमंड जुबली के बाद मरूं उसके पहले मुझे बचा लो। बाबा बहुत हंसे, नजदीक बुला के हाथ रखा, शाबाश दी, दुआ की फरमाई। फरमाया देखो पानी को गर्म करो, उसको बॉयल करो, बाद में उसको गिलास में डालो और ठहरो जब वो पीने के लायक बने, लेकिन सख्त गरम गरम जितना तुम बर्दाश्त कर सको इतना गरम पानी पियो, लेकिन पहले बॉयल करो और जितना गरम पी सको थोड़ी देर ठहर के इतना गरम पियो, सुबह को पियो शाम को पियो, शाबाश खाना वादा दुआ से। बस उसने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, वो दर्द मिट गया, भूल गया कि मुझे पथरी हुई है। सब कुछ काम काज पूरा हुआ, डायमंड जुबली हुई, 8 दिन और भी निकल गए। रास्ते में डॉक्टर मिला, उसको कहता है कि तुम अभी तक जीते हो। बोला क्यों, तेरी पथरी तो बड़ी खतरनाक थी। तो मैं भी भूल गया, अच्छा कल आना। दूसरे दिन गया, पेशाब किया, टेस्ट किया, बोला पथरी नहीं है। क्या हुआ है, पथरी मिट गई। इमाम की जो दुआ है, मैंने अभी भी आपको अर्ज किया कि इस तमाम कायनात के अंदर जो कानून है वो इमाम की दुआ से कानून बदल जाता है। हमारे यकीन और एतकाद होना चाहिए। अब ये जो एतकाद हमारा इमाम जमान के ऊपर है, ये हकीकत है।
یہ حقیقت ہے کہ جو تیسرا درجہ ہے, اگر ہم اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو دینداروں طریقت میں نیچے آ کے طریقت پہ عمل ہونا چاہیے, اور طریقت کو جاننے کے لیے ہمیں شریعت لازم ہے. شریعت کیا ہے بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا دعا سیکھو, بیٹھو ہم اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے دعا سکھاتے ہیں, جماعت خانے لے کے آتے ہیں, ہم جماعت خانے جاتے ہیں, یہ شریعت ہے. شریعت کہتے ہیں قانون, جماعت خانے آنا لازم ہے. جو بچہ اسکول نہیں جاتا وہ گھر پہ نہیں پڑھ سکتا. ایک بات میں بہت دفعہ واضح میں کہتا ہوں کہ کتاب کے بغیر استاد سکھا سکتا ہے, لیکن استاد کے بغیر کتاب نہیں سکھا سکتی. اگر کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم بنتا تو یہ اسکول یونیورسٹیاں اور کالجز کی کوئی ضرورت نہ ہوتی, استادوں کی بھی ضرورت نہ ہوتی. کتاب استاد کے بغیر نہیں سکھا سکتی, لیکن استاد کو کتاب کی حاجت نہیں ہے. اس طرح سے یہ خیال رکھنا کہ مرشد جو ہے اس کو کتاب کی حاجت نہیں, اور ہم محض کتابیں پڑھ کے قرآن یا حدیث پڑھ کے عالم نہیں بن سکتے. ہم کو استاد کی ضرورت ہے, اور وہ سب سے بڑا استاد شاطر ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ اس وقت دن ہے, ابھی تو رات ہے, بدھو آدمی یہ کہے گا کہ مولا کیا بات کرتے ہو, اس وقت تو رات کا اندھیرا ہے, سورج تو دکھتا ہی نہیں. لیکن مولا کے اس کہنے سے کہ اس وقت دن ہے اس میں کوئی بھید ہے. اگر وہ دوپہر کو سورج چمک رہا ہے اور امام کہے کہ اس وقت رات ہے, تو یاد رکھو, یہ یقین کر لو کہ امام نے کچھ کہا ہے کہ جس لیے یہ ابھی رات ہے, حالانکہ سورج نکلا ہے. یہ رات کا جو لفظ ہے اس میں کوئی بھید ہے. اس طرح سے امام کے فرمان پہ عمل کرنا ہی ہمارے اس مذہب کا, جو دین اسلام کا سب سے اونچا مذہب ہے. دین اسلام میں 73 مذہب ہیں, 73 مذہب ہے دین اسلام کے اندر. ان تمام فرقوں کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک ہی فرقہ اسماعیلی ایسا ہے کہ جو رسول اللہ کے وقت کا جو اسلام تھا, جو اسلام رسول اللہ نے ہمیں سکھایا تھا, جو اسلام علی نے سکھایا تھا, جو اسلام حسن حسین نے سکھایا تھا, وہ زمانے کا امام, وہ زمانے سے چلا ہوا آج تک ایک ہی امام ہے. اس نے کپڑے بدلائے ہیں, بدل بدلایا ہے, امام ایک ہی ہے, وہی ابھی چلا آتا ہے, اور رسول اکرم کا دور بھی وہی چلا آتا ہے. ہمارے پاس وہی امام ہے. نبی کریم جب مدینہ آئے, مدینہ کی عورتیں علی کی نبی کی محبت میں گھر میں کھانا پکا کے اپنے خاوند کے ہاتھ یا بچوں کے ہاتھ یا غلام کے ہاتھ رسول اکرم کے گھر پہ کھانا بھیجتی تھی. مدینہ کی عورتیں کھانا پکا لے تو اس میں سے تھوڑا پورشن, جو بیسٹ پورشن ہوئے بچوں کو گھر والوں کو کھلانے سے پہلے تھوڑا پورشن نکالے, جاؤ رسول اللہ کے دے کے آؤ. اور نبی کریم وہ کھانا کھاتے تھے, دعائیں دیتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک نے ہمارے گھر آ کے کھانا کھایا. یہ مہمانی کہ مدینہ کی عورتیں کھانا پکا کے نبی کو بھیجتی تھیں, وہ مسلمان بھول گئے, کیونکہ ان کے پاس ملا مولوی رہ گئے. وہ علی نبی کا نور نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس علی نبی کا نور موجود ہے, آج بھی ہے, گزشتہ کل بھی تھا پاس میں, اور انشاءاللہ آئندہ فیوچر میں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. آج بھی ہماری مومن بھائیاں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو دینے سے پہلے تھوڑا پورشن نکالتی ہیں, رات کو جماعت کھانے میں یہ ناندی لے آتے ہیں. ناندی کا جو لفظ ہے وہ غلط لفظ ہے, صحیح نہیں. ناندی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو, عربی زبان میں ندا کرتا ہے, جو آکشن کرتا ہے, ناندی کرتا ہے, اس کو ناندی کہتے ہیں. اصل میں ناندی نہیں ہے, نادی ہے. نادی یعنی منادی کرنے والا, جو آدمی نادی بیچ رہا ہے ہم اس کو نادی کہتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں حقیقت میں مہمانی ہیں حضرت امام کی. چھوٹا بچہ ماں کی کوئی ساڑی کے کپڑا پکڑ کے کہتا ہے, اماں مجھے بھوک لگی, ممی بہت بھوک لگی, ہاں بیٹا دیتی ہوں, ابھی دیتی ہوں. ماں اس کو پیار کرتی ہے, لیکن اپنے اس بچے کو کھلانے سے پہلے پہلے حضرت امام کا وہ بھنگا نکلتی ہے.
इनके घरों में बरकतें हैं क्योंकि उसने पहले उस अली नबी के नूर के लिए अपनी मेहमानी निकाली। जमाना बदल गया दीनदारों, लोगों को इल्म नहीं रहा। हम वो इस्माइली हैं कि हम घर में इमाम को खिलाए बगैर नहीं खाते। एक केला रख दो मौला के लिए, एक संतरा रख दो, ऐसा लाजिम नहीं कि आप ट्रक भर के मौला के पास लेके आओ। बात तो ये है कि हम इमाम की मेहमानी करें। वो मेहमानी ये है कि सिर्फ एक लुकमा खावे, एक लुकमा। कुछ गरीब लोग थे ईरान के, मौलाना अली शाह हसन अली शाह के साथ इंडिया आए थे। वो मौला के नौकर थे, सिपाही थे, गुजर गए। आस्ते आस्ते उनकी औलाद हुई। मैं आपको ये बात 1934 की करता हूँ कि जब ये तमाम लोग जो ईरान से मौला के साथ आए थे, उनकी औलादें हुई और बेचारे गरीब थे। खोजे लोग हर साल जब मौला सुल्तान मोहम्मद शाह आवे तो मेहमानियां करें। जैसा नहीं कहना कि मौला के सामने कुर्सी के सामने पाक पड़ा होवे, सारी फैमिली बैठी होवे। और उस वक्त क्या था, 136 रुपए लेते थे, उसमें से 14 रुपए फ्रूट के लेते थे, बाकी मेहमानी होती थी। 136 शिलिंग रुपए उस जमाने के अंदर बहुत बड़ी रकम थी मोमिनों। एक क्लर्क की तनख्वाह 30-40 रुपए होती थी, यानी चार दफा अगर उसकी महीने की, चार महीने की तनख्वाह इकट्ठी करो तब जाके वो एक मेहमानी कर सके। तो गरीब लोग बेचारे मेहमानी नहीं करते थे, लेकिन शाम को जमात खाने के अंदर 10-20 रुपए, जो कि 2-4 पैसे जो कुछ भी जैसा होता है, ये भी मेहमानी है। हम जो जमात खाने के पास के ऊपर एक सेंट भी रखे ना, जस्ट 1 सेंट मेहमानी का, तो वो भी मेहमानी है। हमको उसके हिसाब से बरकत मिलती है, जो भी आपके दिल में नियत में आवे। तो एक ईरानी औरत थी, ईरानियों को उस वक्त खालू कहते थे। खालू इसलिए कहते थे कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी ना, वो ईरानी थी, और ये दूसरे सब ईरानियों को भाई के तौर पे मामा और खालू नहीं होता, मामे को खालू कहते हैं और माता को भी खालू कहते हैं, तो इनको इज्जत के साथ खालू कहा करते थे ईरानियों को। एक औरत थी, ईरानी औरत, रोग के मत हमें आवे, सब कुछ सुने और दिल में ख्याल करें, ऐ मौला ऐसा भी कोई दिन आवे कि ये खोजे लोग मेहमानियां करते हैं, तुझे खिलाते हैं, हमारी में घर पे आके कभी तू मेहमानी खावे। बरसों तक उसके दिल के अंदर ये उमंग जारी रही, बरसों तक। अब ये लोग गरीब लोग थे, नौकरियां करते थे। बॉम्बे के अंदर आदत किया कि सुबह 8 बजे सब काम के ऊपर चले जाने, और इनका खाना पीना तो भटार वाला ले जावे, ये लोग रात को घर पर वापस आवे। तो ऐसा दोपहर का तकरीबन 2:30-3 बजे हुए थे दोपहर के बाद, औरतें खाना पीना पका के बच्चों को खिला दे गए, हस्बैंड को भेज दे गए, और फिर ये सो जाती आराम करे या कुछ घर का काम काज करे। तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम, माता सलामत के साथ, खुद की माँ के साथ सुल्तान मोहम्मद शाह पूरे खफा हो गए। माँ के साथ बच्चे लड़ते हैं, मगर ये लड़ना कुछ वजह थी, क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह माँ से थोड़ा बिगड़ गए। माता सलामत हंस के चली गई और ऑर्डर किया, टेबल लगाओ, इसको खाना खिला दें। खाने का वक्त हो गया 1 बजे। सुल्तान मोहम्मद शाह ने क्या किया, अभी उस वक्त इमाम का जो लिबास था, शॉर्ट पहने हुए थे, नीचे कैनवस के शूज थे और मोजे सॉक्स नहीं थे, खाली पांव और शॉर्ट पहने थे, व्हाइट पैंट थी और हाफ स्लीव की शर्ट थी। मौला चालक काला चश्मा पहनते थे, हैट उठाया, सिर पे रखा, लकड़ी ली और बंगले के पीछे के दरवाजे से निकल गए। और पीछे का दरवाजा समुंदर के किनारे पे था, तो समुंदर के किनारे पे हुजूर उतरे, लकड़ी हाथ में लेके सुल्तान मोहम्मद शाह आस्ते 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 चलते गए। आप में से जिसने बॉम्बे देखी है उसको पता होगा कि वर्ल्ड के शर्ट से बंगले से
चौपाटी के पास से निकल के तकरीबन 3 मील चलो तो इधर चौपाटी के पास खुदा कहाँ जाना है, वाड़ी चलो। अभी वाड़ी उधर से 5-7 माइल दूर। वो तो मजे मजे गाता रहा, गिनान बोलता रहा, घोड़ा चलता रहा। मौला अंदर आराम से बैठे हैं, वाड़ी में आए तकरीबन 3 बजे थे। एकदम सुनसान था, कुछ नहीं था। औरतें घरों का खाना पीना पका के आराम करती थी, कोई ऐसी औरतें थी कि जो कुछ चढ़ने का काम करती होंगी। ऐसा चलते चलते साथ गाड़ी में से नीचे उतरे और उससे बोला कि तुम ठहरो, भले सरकार कुछ मर्द देखता ही नहीं था, कुछ बच्चे खेलते थे। बोला चलते 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 चलते, अब वो औरत के जो हमेशा अपने दिल के अंदर ये ख्याल किया करती थी कि ये मालदार खोजे तेरे को मेहमानियां खिलाते हैं, हमारी किस्मत कहां। उसके दरवाजे पे पहुंच के मौला ने लकड़ी मारी। अब उसको क्या मालूम कि कौन आया है, और ये तो उसके ख्याल में भी नहीं आ सकता कि इमाम मेरे घर पे आएगा। वो अंदर से चिल्ला रही है, कौन है, चले जाओ आराम करने दो। मौला ने फिर लकड़ी मारी। अब वो ये समझ के कि ये बच्चे शरारत कर रहे हैं, गुस्से से उठी। वो जब उठी तो पछेड़ी दुपट्टा कुछ था नहीं। जब उठी और दरवाजा खोला, सुंद हो गई, पक्षी पक्षी हो गई, इस तरह पत्थर हो गई कि वो होश भी नहीं लगे। नौजहान का इमाम उसके सामने चढ़ा, काफी देर तक बेसुध हो गई, जम गई। मौला उसको हिला के कहते हैं, हमको अंदर नहीं आने दोगे। जब वो होश में आई, पीछे हट गई, भाग के पटले लाई, हसबैंड की खड़ी हुई। मौला कहते हैं, हमको कुछ खिलाओ, हमको कुछ खिलाओ। अरे उधर माँ ने खाना तैयार रखा टेबल के ऊपर, उसको छोड़ के 10-12 मील चल के, 3 मील पांव से चल के गाड़ी में इधर इसके घर पे आके थे, तो हमको खाना खिलाओ, क्या इसको खाना नहीं मिलता था, अब वो क्या करें, खाना वो भी इमाम के लायक। मौला कहने लगे, हमको खाना खिलाओ। उसके पास अच्छी प्लेट भी नहीं है, जमीन पे सोने वाले हैं, बैठने के लिए कुछ नहीं। उसने कुछ डब्बे वगैरह इकट्ठे किए लकड़ी के, उसके एक अच्छा कपड़ा बिछाया और मौला को कहा, बैठ बैठे। थोड़ा सा खाना बच गया था, दाल थी और चावल थे। एक प्लेट में दाल के थोड़ा प्लेट भर न सकी, आधी प्लेट खाली नहीं। चमचा दिया, मौला ने उसमें से एक चमचा अपने मुंह में डाला और रख दिया, कुछ नहीं खाया, एक चमचा खाया। बहुत दुआ थी। तुम्हारा हस्बैंड क्या करता, बच्चे कितने हैं, कब से यहां हो, उसकी सारी फैमिली की बातें पूछी। बहुत दुआ थी। बाद में इसके हस्बैंड को साहब ने घोड़ों के स्टेबल में एक अच्छी जगह अटा की। उसके दिल की मुराद थी कि गरीब हैं, तेरी मेहमानी कहां कर सके, लेकिन ये सब की बात जानता है, ये मुरादें पूरी करता है और चल के आया और उसकी मुराद पूरी की। इमाम हकीकत के अंदर खुदाई नूर है। यहां बैठे बैठे वो सब की बातें जानता है, वो हमारे दिलों को जानता है। कोई चीज इमाम से छुपी हुई नहीं। इस इमाम को खुश करो, इस इमाम को याद करो, इससे प्यार करो, इसका फरमान मानो, जिस तरह ये कहे उस तरह चलो, दीन और दुनिया की बरकतें मिलेंगी। लेकिन हम उसको सिर्फ हां कहते रहे और अमल ना करें तो दीनदारों उसके साथ हमारा ताल्लुक किस तरह पैदा हो सकता है। वो कह रहे हो जमात खाने जाओ, नहीं नहीं जमात खाने रोज नहीं जा सकते,
हमें शाम को काम है। ऐसे भी कमबख्त लोग हैं कि शाम को जमात खाने के काम पे मैंने कमबख्त जानबूझ के कहा है, यूं ही नहीं कह दिया। शाम को वो सिनेमा बैठे होते हैं, पार्टी में बैठे होते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जमात खाने नहीं आते, इसलिए मैंने कहा कमबख्त। वो बदनसीब हैं वो लोग कि इमाम का दरबार छोड़ के दूसरी जगह बैठे हैं। अब उन लोगों के ईमान की हालत क्या है? जो इमाम का फरमान नहीं मानता वो मोमन नहीं है। महज अगर इमाम के लिए कह देना मैं मौला को मानता हूं, अरे मानना है तो उसके फरमान को मानो, उसके फरमान पे अमल करो। वो कहता है जब तुम लोग जमात खाने नहीं आते मुझे दुख होता है, जब तुम जमात खाने आते हो मैं खुश होता हूं। इतना नहीं, मौला कहते हैं तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। क्या इमाम हुसैन की गर्दन से जब छुरी फिराई गई उस वक्त जो इमाम हुसैन को दुख लगा वो दुख से भी ये दुख ज्यादा है इमाम को? वो कहता है कि ऐसा दुख मुझे कभी नहीं हुआ कि जो तुम मुझे दुख देते हो जमात खाने नहीं आते तभी मुझे दुख होता है, इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा दुख मुझे कोई नहीं होता। इमाम हुसैन जी तो यही था ना, इमाम हुसैन की गर्दन पे छुरी फिरी उस दुख से ये दुख मौला को ज्यादा लगता है कि तुम जमात खाने नहीं आते हो, बाहर घूमते रहते हो और ये कहते रहते हो कि हम इधर तस्बीहें निकाले हैं। अरे इमाम सुल्तान मोहम्मद क्या फरमाया, चार आदमी तुमको खटले पे डाल के, चार पाई पे डाल के तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि तुम चल सको, तो चार आदमी तुमको उठा के जमात खाने लावे तो भी जमात खाने रोज आओ, रोज आओ। हमारी हजरत इमाम के साथ बैत हुई है। शाम को हम क्या करते हैं? अगर शुक्रवार को आ सकते हैं तो रोज नहीं आ सकते? मोमिनों रोज जमात खाने आओ और इस इमाम की करामतें देखो। आपके दिल में जमात खाने आने से आपके दिल में आहिस्ता 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 खूबियां बढ़ेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी, अंदर की रोशनी बढ़ेगी, ख्यालात बदलेंगे, आपको अक्ल मिलेगी, समझ मिलेगी, हर कदम के ऊपर मौला आपकी मदद करेगा, आपकी अक्ल को अपनी मर्जी से चलाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फौरन करोड़पति बन जाओगे, लेकिन दिल का सुख मिलेगा, घर में आबादी होगी, घर में झगड़े नहीं होंगे। ये हमारे गुनाह हैं, घरों में झगड़े होते हैं, बाप बेटे लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, मियां बीवी का बनता नहीं, और आजकल ये इतने हो गए हैं डिवोर्स वगैरह भी, ये सारी बदियां बुराइयां हमको घेरे हुए हैं। क्यों? हाजिर इमाम के होते हुए भी हमको ये तकलीफ है, इसलिए कि हम हाजिर इमाम का हुक्म नहीं मानते। जमात खाने में बहुत दफा अल्हम्दुलिल्लाह आप में तो कोई है नहीं, लेकिन मैंने बहुत जमात खाने में देखा भी, जमात खाना जैसे ही नियाज किएंगे कई लोग है लंबे पांव करके बैठ जाएंगे जैसे किसी गार्डन में बैठे हुए हैं। अरे ये जमात खाना इमाम का घर है, जहाँ इमाम हाजिर मौजूद है। अभी तुमने सजदा किया उस तरफ तुम पांव करते हो, कैसे आदमी हो? इससे बुद्धू आदमी कौन हो सकता है? उसमें इतनी समझ भी नहीं कि जिधर मैंने सजदा किया उधर मैं पांव करता हूँ। इस जमात खाने की इज्जत करो, बहुत इज्जत करो, ये इमाम का घर है, वो खुद यहाँ हाजिर और मौजूद बैठा है, उसकी बेअदबी मत करो, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। इसका जितना भी अदब करोगे उतना ही आपको फायदा है। और इस जमात खाने में आके अपनी जो दुआ है उसके अलावा और जो हमारे काम काज हैं पूरे हो जाने के बाद भी दीनदार हो, एक तस्वीर निकाला करो, शुक्रगुजारी करो, अस्तगफार करो, ऐ मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। नबी पाक को किसी ने पूछा या नबी इबादत का आधार यानी इबादत की बुनियाद क्या है? फरमाया इबादत दो स्तून पे, स्तून कहते हैं पिलर्स को, दो पिलर्स पे टिकी हुई है, अस्तगफार और शुक्र। अपने गुनाहों की मुआफी मांगो और हर हालत में खुदा का शुक्र करो, नरमी में भी गर्मी में भी दुख में भी सुख में भी शुक्र गुजारी करो। और कभी भी अल्लाह को खुदावन आलमीन को ब्लेम न करो। बहुत सारे लोग गरीब आता भला आओ करो कहीं से मुके इतना दुख मिले हो, अरे तेरे अमाल ऐसे हैं, खुदा किसी को दुख नहीं देता, खुदा को कभी भी ब्लेम न करो। अल्लाह कहता है कि हर मुसीबत में तुम्हारा हाथ काम करता है, मैं किसी को दुख नहीं देता। रोज जमात खाने आओ, इबादत करो, रात को भी सोने से पहले दुरूद पाक की सलावत की तस्बीह निकालो, सो जाओ आराम से,
मौला सुल्तान अहमद शाह फरमाया, जो आदमी मुझे याद करते करते सो जाता है, मैं सारी रात उसके पलंग के पास खड़ा उसकी चौकी करता, मैं पहरा देता हूँ तो उसको कोई भला आफत नहीं आवे, उसको बद ख्यालात नहीं आवे, उसको बुरे बुरे सपने ख्याल और ड्रीम्स नहीं आवे। रात को भी सोते जाओ, आंखें बंद करो, मौला का नाम याद करते रहो, सलवात पढ़ो, अली कहो, किसी भी तरीके से उसको याद करो। तो ये दिनदारो, ये हमारा मजहब है, प्यारा मजहब है, इमाम जमन की शनाख्त और मोहब्बत में और उसकी फरमानबरदारी में रहो, दिन दुनिया की आफतें दूर हो जाएंगी, आपकी नेक मुरादें मौला पूरी करेगा, सुखी आबाद रहो, ईमान की सलामती मिले, दिन दुनिया की नियामतें दे दे, जमीन आसमानी सब बलाएं आफतें दूर करे, मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, दसम सुकरीत में पूरा रखे, मौला फरमान बरदार मोमन बनाए, अपनी मोहब्बत और समझदारी दे दे, हकीकती समझ दे दे, मौला आपको खुशियाँ दे दे, बरकतें दे दे और नियामतें दे दे, दीन और दुनिया में आबाद करे, आपको आपकी जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार में बरकतें दे दे, जहर बात दीदार नसीब करे।